हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ से दोस्तों आपका 15 से 20 क्वेश्चंस दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग इंटर के बाद ITI करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार ITI प्रवेश परीक्षा के लिए जो है मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि ऑल सब्जेक्ट का जो है VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ITI प्रवेश परीक्षा के लिए, और 10 साल का पिछले साल का क्वेश्चन मिलेगा और 10 मॉडल सेट जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया मॉडल सेट वहां पर आपको मिलेगा, जिससे दोस्तों आप लोग ITI प्रवेश परीक्षा बेहतर तैयारी उससे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर हम लिंक दे दें, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI, तो LGR स्टडी ITI सर्च करेंगे तो ऊपर में ही आ जाएगा, तो वहाँ से अभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। तो 1885 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट दो नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो दो का जो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा में ऐसा स्थिति हो गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कर्म के हिसाब से स्थान क्या था, यानी कि क्यामा राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपको बताना है। तो तीन का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 13वां राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट यहां पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। तो 4 का जो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यानी कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, जिसको दोस्तों इस बार जो है मोदी जी के द्वारा इसे हटा दिया गया, धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सूची कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। 5 सूत्री कार्यक्रम है, सॉरी 5 सूत्री कार्यक्रम का जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपका जो 5 का जो दोस्तों ये ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी पंडित नेहरू जी के द्वारा ऐसा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है शायद उतना मेहनत आपको इस वीडियो को लाइक करने में नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बदले अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों आप लोग कुछ ना तो दे सकते हैं ना ही आपको देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी प्रतिमा को साकार करने का ध्येय रखा गया। तो 6 का जो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा ध्येय यानी कि ऐसा टारगेट जो है बनाया गया था। नेक्स्ट यहां पर आपका जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर जो आपका यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ, सबसे पहले परीक्षण कब किया गया। तो 7 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह, 1950 में कोरिया की लड़ाई में जो है, मतलब उत्तर कोरिया की लड़ाई में इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंच
सील के सूत्र रखे हुए हैं, पंचशील के सूत्र जिसमें रखा गया है। तो आठ का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि चीन के साथ। किसके साथ दोस्तों? चीन के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, मतलब वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने का कोशिश करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेकमोहन रेखा कहाँ है? मेकमोहन रेखा कहाँ है ये आपको बताना है। 9 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मेकमोहन लाइन जो है खींचा गया है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 10 का जो डी ऑप्शन है दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि ताशकंद समझौता 1966 में, जो कि ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट यहां पर आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? पहला सफल परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा दोस्तों आपको बता दें कि 1974 में किया गया था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 12 का जो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सो जाने की पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर जो है हस्ताक्षर कर चुकी है भारत। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है, तो यहाँ पर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि एशियाई क्षेत्रीय मंच पर पूर्ण संवादी का इनको दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? प्रथम तो देखा हमने, अब दूसरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो 14 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1998 में ऐसा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 15 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि 1972 का शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी के द्वारा ही दोस्तों साइन किया गया था। नेक्स्ट यहां पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो यहां पर दोस्तों 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि आसियान से। किससे दोस्तों? आसियान जो संगठन है उससे है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? गरीबी हटाओ जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में विशेष स्थान दिया गया था, इसको ये आपको बताना है। तो 17 का जो दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? लोकसभा में कुल कितने स्थान कांग्रेस को मिले थे ये आपको बताना है। तो 18 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 का सही जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि दोस्तों 352 सीट कुल मिला था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? किस चुनाव में जो अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया गया था? तो 19 का जो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि 1971 का अध्यावधि है ना, अध्यावधि चुनाव में इसका प्रभाव दिखा था। इसके बाद दोस्तों हम 19 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 के द्वारा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के द्वारा यहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में किया गया था ये आपको बताना है। तो 20 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 1969 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। तो 21 का यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मोरारजी देसाई को विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सबसे पहले दोस्तों जो है त्याग पत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1980 के निर्वाचन के समय में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रही है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री कौन थे इंदिरा गांधी के समय में, ये आपको बताना है। तो 23 का जो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई क्या थे, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा कौन थी, पहली अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हैं वो ए ओ ह्यूम थे, जो अंग्रेजी रिटायर अधिकारी थे, ये भी आप जानते होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत हैं, मतलब एशिया के किस देश से रेलवे मार्ग से जो है चीन जुड़ रहा है, ये आपको बताना है। तो 25 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि नेपाल के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है, किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन सा संगठन दे सकता है, ये आपको बताना है। 26 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महासचिव जो है सदस्यता देने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसका मौलिक सदस्य कौन था, मौलिक सदस्य कौन था, ये आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर डी ऑप्शन से यानी कि भारत, भारत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था उस टाइम पर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था, ये आपको बताना है। तो 28 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम ही दोस्तों शांति को स्थापित करना था, ये आप 9th के क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि महासचिव बान की मुन किस राष्ट्र के नागरिक हैं, महासचिव बान की मुन जो है वो किस राष्ट्र के महासचिव है, ये मतलब किस देश के हैं, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया के वो रहने वाले हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यक्ति को स्थान दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यक्ति को स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सामूहिक सुरक्षा को, किस व्यवस्था को जो है स्थान दिया गया है, तो सामूहिक सुरक्षा को जो स्थान दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका, तीसरा महायुद्ध नहीं हुआ वो किसके कारण, ये आपको बताना है। तो 31 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि आतंक का संतुलन किया गया जिसके कारण तीसरा महायुद्ध होने से बच गया। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित कर दिया, पूर्णतया वर्जित करना मतलब पूरा पूरा बंद कर दिया था, तो 32 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है इसका पूरा बंदी सा कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव कौन था, योजना का प्रस्तावक, इस योजना का प्रस्ताव किसने दिया था,
ये आपको बताना है। तो 33 का जो ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि डीन अचेसन ये बात बोले थे। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, नव उपनिवेश बाद पदबंध किसने गढ़ा, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा था, ये आपको बताना है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि घाना के एन कुरुमा, यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 35 है, निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई। निशस्त्रीकरण आयोग दोस्तों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही बनाया गया था, तो कब बनाया गया था ये आपको बताना है। तो 35 का जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश के द्वारा बनाया गया है बताना है आपको। तो 36 का ए ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर आपका जो है सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर पाना चाहते हैं तो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया। सुरक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है किस व्यवस्था का आह्वान किया गया ये आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, सामूहिक सुरक्षा का किया गया था। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि शांति स्थापना के कार्यों की देख रेख किस अधिकारी के अधीन है। शांति स्थापना का जो कार्य का देख रेख है वो किस अधिकारी के अधीन, मतलब किस अधिकारी के अंदर होता है ये आपको बताना है। तो 38 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही, यानी कि महासचिव, और महासचिव होता दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर महासचिव भी हुआ करते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। तो शांति निर्माण की विधि का जो प्रयोग है दोस्तों वो सबसे पहले कांगो के गृह युद्ध में हुआ था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। किसमें, यानी कि किस चीज़ों में, किसमें किसी एक राष्ट्र पर अगर आक्रमण होता है तो सभी राष्ट्र पर आक्रमणों के होने जैसा समझा जाता है, उसका उस तरह से सामना किया जाता है ये आपको बताना है। तो 40 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि सामूहिक सुरक्षा के ऊपर अगर हमला होता है तो सबके ऊपर हमला समझा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक शस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं, जो शस्त्र मतलब जो हथियार का संघर्ष है वो कहाँ होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में, दक्षिणी वर्ती देशों में ऐसा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। NATO नाटो दोस्तों एक संगठन है, तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 42 का बी ऑप्शन सही, यानी कि भारत दोस्तों नाटो का सदस्य नहीं है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया था ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। 43 का जो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया था कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है कि, मतलब जो राज्य हैं जो देश है उसका क्या दायित्व है ये आपको बताना है।
तो 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो, यानी कि विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए, ये दोस्तों दायित्व दिया गया था सभी देश को, यानी कि सभी राज्य को आप बोल सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बिंदु अन्ना हजारे के कार्यक्रम में नहीं है, अन्ना हजारे के कार्यक्रम में क्या चीज़ नहीं था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, महिलाओं का सबलीकरण, सबलीकरण जो है नहीं था, मतलब महिलाओं को सबल करने का कार्यक्रम वो नहीं था। 46 है कि क्षत्रिय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्षत्रिय दल का उदय हुआ इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, मतलब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो पतन होने लगा, कांग्रेस का खात्मा होने लगा, इसीलिए छोटे छोटे दल का अलग अलग क्षेत्र में विकास हुआ। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, महिला सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती है, ये दोस्तों अरस्तु ने कहा था, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक निजी हैं, 50 का बी ऑप्शन सही, यानी कि महिलाओं के आंदोलन में दोस्तों यहाँ पर जो है ऐसा बोला गया था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो दोस्तों इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ताकि दोस्तों इससे मेरा भी दोस्तों हेल्प हो सके आप लोगों की मदद से। और अगर आप लोग इंटर के जस्ट बाद ITI करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, अगर आप लोग मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, यानी तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR Study ITI लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा मोबाइल ऐप सबसे ऊपर ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर को दोस्तों ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।